नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते बताते चले कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आखिरकार समझौता हो ही गया। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमओयू साइन किया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि आरसीपी पिछले लंबे वक्त से लंबित चल रही थी, ऐसे में इसका एमओयू होना हमारे लिए काफी सुखद है। इससे पहले कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसे उलझाने की काफी कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाया है और इस योजना से राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग प्रभावित होगा। ऐसे में यह योजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू साइन हुआ। दोनों कल नए मुख्यमंत्री ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एक नया इतिहास रचा है। ये भी आपको बताते चलें कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सीधे सीधे राजस्थान के 13 जिलों को प्रभावित करती है और मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा को इससे सीधा इस परियोजना से जो एमओयू साइन हुआ है इन सीधा इसको जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो चंबल और मालवा को सीधे इससे फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर हम बात कर ले दोनों सरकारों के बीच में तो पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंक परियोजना पर सहमति बन गई है और अब चंबल पार्वती और काली सिंध नदी को जोड़कर बड़ी आबादी तक पानी पहुंचाने का ये सपना साकार होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुल 26 जिलों को इसका सीधा फायदा होने वाला है। दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में, इस परियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। पिछले लंबे समय से यह लंबित था लेकिन पिछली सरकार ने, विशेष रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, जिस तरह से इसको राजनीतिक गोटी के रूप में इस्तेमाल करते हुए हठधर्मिता दिखाई थी, ये जो पाप उन्होंने सृजित किया था उनके पाप का घड़ा तो फूटा लेकिन दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक नए पुण्य का सृजन आज से प्रारंभ हुआ है, जो इन दोनों राज्यों के 26 जिले, 13-13 जिले दोनों तरफ और 280,000 हेक्टेयर राजस्थान की और 280,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश की, ऐसी कुल मिलाकर के 5,60,000 यानी 14 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के तहत आएगी। राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण से कांग्रेस की सरकारों ने जो अड़ंगे लगाए गए थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने उसका सबका समाधान कर लिया और आने वाले लगभग 5 वर्ष कम समय में ये योजना भलीभूत होगी। अभी तो 75,000 करोड़ की ये योजना है, उम्मीद कर रहे हैं कि भली मंत्री जी ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ भी लगेगा तो सरकार पीछे नहीं रहेगी, ये योजना का लाभ सबको निश्चित मिलने वाला है। पूर्वी राजस्थान था जो पानी के लिए जाना जाता था वो आज पानी के लिए परेशान है। निश्चित रूप से उन किसानों के आज एक खुशहाली का दिन होगा, जो पानी के लिए परेशान थे निश्चित रूप से एक आस उनको बंधेगी और आस के आधार पर उन किसानों को पानी भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, उद्योग के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, ये सारे काम उसमें होंगे। और वहीं ईआरसीपी पर मंत्री खिरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आ गया है। ईआरसीपी का मूर्त रूप लेना सपना साकार होने जैसा है, बड़ी बातें ये मंत्री खिरोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी पर बोली हैं। उनका कहना है कि पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी परियोजना लाने की मांग हमेशा से उठाता रहा हूं, मुझे संतुष्टि है कि मेरे जीते जी ईआरसीपी आकार ले लेगी, मोदी जी की एक और गारंटी पूरी, बधाई राजस्थान। तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान इस समय आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको ईआरसीपी पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान आया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मेरे जीते जी एक और सपना साकार हो गया, राजस्थान को बधाई भी दी ईआरसीपी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू साइन होने पर। कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी बहकर बेकार ही समुद्र में चला जाता है और ये वर्षों से ऐसा होता आ रहा था।
ये पानी पूरी राजस्थान के जिलों में आए, इसके लिए मैं 89 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और पिछली वसुंधरा सरकार ने एक पूरी राजस्थान नहर परियोजना केंद्र को भेजी थी, जो गहलोत सरकार में आगे नहीं बढ़ सकी, मूर्त रूप नहीं ले सकी, किंतु आज मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, जिसके कारण केवल राज्य को, राजस्थान को 10% राशि देनी पड़ेगी और 90% राशि केंद्र वहन करेगी। इससे हमारे पूर्वी राजस्थान की एक नई आस, पूर्वी राजस्थान के किसानों की तकदीर को, भाग्य को खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इससे जो जितने भी बांध वंचित रह गए थे इन 13 जिलों के, उनको भी जोड़ा जा रहा है। इस योजना से करीबन 2,10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी और इंडस्ट्रीज के लिए, कॉरिडोर के लिए और पीने के लिए भी पानी मिलेगा। मेरे को बड़ी खुशी है। और वहीं आरसीपी पर एमओयू साइन होने के बाद भरतपुर में मुख्यमंत्री आवास पर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के साथ ही बीजेपी नेताओं ने जवाहर नगर स्थित सीएम भजनलाल शर्मा के आवास पर पटाखे फोड़कर अपनी खुशी भी मनाई। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। बीजेपी नेता शैलेश कौशिक, भगवान दास शर्मा सहित अन्य लोगों ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया, अब भरतपुर सहित 13 जिलों को लाभ मिलेगा। आरसीपी के जरिए पानी पहुंचेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के सामने खुशी जाहिर की है, पटाखे चला करके एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। बात करेंगे इनसे, किस तरह की खुशी जो है वो आज देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उनमें से कई वादे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे किए जा चुके हैं, चाहे एसआईटी का गठन हो, चाहे रीट का मामला हो। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय, एक ऐतिहासिक एमओयू राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच साइन हुआ है, जिससे जो लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी एआरसीपी की, वो उस योजना आज धरातल पर उतरेगी और दोनों ही राज्यों के जो सीमावर्ती जिले हैं उनको निश्चित पानी का लाभ होगा। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यशस्वी देश राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को आभार व्यक्त करते हैं। लंबे समय से आप कांग्रेस की सरकार थी तो घेरते चले आ रहे थे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अब उसको लेकर के किस तरह जो है एक ऐतिहासिक जो पल है उसको आप किस तरह देखते हैं? आज भरतपुर सहित 13 जिलों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जो एमओयू किया जा रहा है वो उससे राजस्थान के पूर्वी अंचल को पानी की पूरी पूरी व्यवस्था होगी, जिससे किसानों के लिए, खेती के लिए पानी मिलेगा, पब्लिक के लिए पीने के लिए पानी मिलेगा। बिल्कुल, तो चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले एक मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल से पूरी राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही थी और बार बार कह रही थी कि बीजेपी इसमें काम नहीं कर रही है, लेकिन ये सत्यापित तो हो गया कि बीजेपी इसको लगातार करना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस के पास ये मुद्दा इस तरीके का था कि बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुनाव भी हार गई और अब लोकसभा चुनाव भी हारेगी। पूरे राजस्थान में और खासकर इन 13 जिलों में, जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, उनमें खुशी की लहर है और हम सब ने यहाँ सीएम आउट पर भी मिठाई और पटाखे चला करके खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मिठाई खिलाई है एक दूसरे को और पटाखे चला करके खुशी जाहिर की और ये पूर्वी राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और वहीं आपको प्रदेश भर में एमओयू साइन होने के बाद जश्न देखने को भी मिल रहा है। जयपुर से लेकर करौली, टोंक, दौसा और भरतपुर समेत कई जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर पटाखे भी फोड़े, फिर चाहे वो करौली हो, वो टोंक हो, दौसा हो या भरतपुर, ये सभी जिले हैं जो सीधे तौर पर 13 जिलों में आते हैं, जो ERCP यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से सीधे प्रभावित होते हैं और इसीलिए काफी लंबे अरसों से ये इंतजार था इन तमाम लोगों को कि ये परियोजना जल्द से जल्द
इसको लागू किया जाए, इस पर अमल किया जाए, काम हो और सीधे तौर पर चाहे वो सिंचाई के लिए पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो, वो हम जो पानी के लिए तरस रहे हैं वो पानी के लिए हमें ना तरसना पड़े। और वो अब इंतज़ार की घड़ियां लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। MOU क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच में साइन हो चुका है और 26 जिले 13 जिले राजस्थान के 13 जिले मध्य प्रदेश के जो प्रभावित होते हैं उन सबको पानी अब मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना हर घर नल और जल के नेतृत्व में एक कदम और राजस्थान और मध्य प्रदेश आगे बढ़ गया। और चलिए आपको लेकर चलते हैं मोदी सर की क्लास में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं। और आज परीक्षा पे चर्चा का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में किया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो क्लास होगी, स्ट्रेस दूर करने का जो मंत्र दिया जाएगा उसका ये 7वां सीजन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे को किस तरह एग्जाम में बैठा जाए, किस तरह मेंटल कंडीशन आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल आप स्ट्रेस नहीं ले, तैयारियां किस तरह करें, अगर अंतिम क्षण तक किसी बच्चे की तैयारी नहीं भी हो पाई है तो उस समय कैसे अपने मानसिक संतुलन को बैलेंस रखें, उसकी तैयारी करें, और साथ साथ बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं जो मेंटल स्ट्रेस देते हैं बच्चों को कि ये पढ़ लो, टॉप करना है, इतने नंबर लाने, इतने परसेंटेज लाने हैं, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी क्लास में शिक्षकों को भी सूत्र देते हैं और साथ ही पेरेंट्स को भी यहां से वो बातें बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। सफलता के सूत्र और कैसे परीक्षा के तनाव को हैंडल करना है, ये खुद बच्चों से संवाद कर पीएम मोदी बच्चों से साझा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी छात्रों को संबोधित कर परीक्षा पे चर्चा करेंगे। 2,26,00,000 छात्रों ने पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाया है। दिल्ली के ITPO में मौजूद भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा का सामना करने जा रहे छात्रों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी परीक्षा की तैयारी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की सलाह देंगे, साथ ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के कुछ खास सवालों के जवाब भी देंगे। कुछ चयनित स्टूडेंट्स को पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स भी दी जाएगी। सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। कार्यक्रम के दौरान लगभग 4,000 लोग प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। वहीं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 100 स्टूडेंट्स पहली बार कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले साल कुल 38,80,000 छात्रों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एवं साक्षरता विभाग की ओर से किया जाता है। और वहीं पीएम मोदी सोमवार को देश भर के 10वीं और 12वीं के छात्रों से बोर्ड परीक्षा को लेकर संवाद करेंगे, जिसे चलते कोटा में भी पीएम के कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने तैयारियों का जायजा लिया, देखिए हमारी रिपोर्ट। जब भी बोर्ड एग्जाम आते हैं निश्चित तौर पर थोड़ा सा मन में खलबली जरूर मचती है, थोड़ा सा तनाव जरूर जाग जाता है, लेकिन इन सब के बीच में देश के प्रधानमंत्री लगातार बोर्ड एग्जाम से पहले उन स्टूडेंट के बीच में आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही स्टूडेंट से मुखातिब होने वाले हैं। 10th और 12th बोर्ड 2024 एग्जाम से पहले उन्हें संबोधित करने वाले हैं और परीक्षा पे चर्चा 2024 पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली है और इसको लेकर के
कोटा में भी एक अलग ही तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। कोटा के अलग अलग लोकेशंस पर इस तरह से कैनोपीज लगाई गई हैं, इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को एक मैसेज देने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या कोटा के स्कूल्स हो, पोस्ट ऑफिस, अलग अलग लोकेशंस पर इस तरह की कैनोपीज लगाई गई हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो मैसेज दिया जा सके। तो इसको लेकर के तैयारियां भी मोटे तौर पर की गई हैं अलग अलग लोकेशंस पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे होंगे तो इसका जो सीधा प्रसारण है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो पीएम है उसकी बात को, पीएम की बात को सीधे तौर पर जो स्टूडेंट हैं वो सुन सकें, समझ सकें, और वो ट्रिक्स जिसकी साथ में स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो, उन्हें अपने जहन में उतार सकें और जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठें तो स्ट्रेस फ्री होकर के बैठें और इसके साथ में बेहतर नतीजे बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर के आएँ। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। और वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद रहेगा जारी। पेपर लीक के मुद्दे पर फिर से हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा में ईआरसीपी की सुनवाई की गूंज सुनाई पड़ सकती है, यानी ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा आज हो सकता है और हंगामे के आसार हो सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हो सकता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि जिस तरह सदन की कार्रवाई हुई वो भी हंगामे के आसार चढ़ी, लेकिन आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, वाद विवाद से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। और साथ ही आपको बता दें कि ईआरसीपी जो एक बड़ा मुद्दा कल से ही राजस्थान के लिए है और आज उसकी गूंज विधानसभा सत्र में भी, सदन कार्रवाई के दरमियान भी सुनाई पड़ सकती है कि वह ईआरसीपी ही एक ऐसा मुद्दा था जिसके आधार पर बीजेपी पिछली सरकार को बोलती थी कि ईआरसीपी नहीं लागू कर पा रही है या डीपीआर नहीं मेंटेन कर पा रही है और उसके बेसिस पे। लेकिन अब जब कल एमओयू साइन हो गया है तो इसकी गूंज इस बार विधानसभा सत्र में भी सुनाई पड़ेगी। और तमाम और मुद्दे हैं जैसे एसआईटी पेपर लीक को लेकर, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा विधानसभा सत्र में हो सकती है। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि दो गुटों में आरक्षण आंदोलन अब बढ़ गया है। एक तो 12वां-13वां दिन हो गया है आरक्षण आंदोलन का जाट समाज के, जहां पर 4 सदस्यीय कमिटी भी बना दी गई है, लेकिन फिर भी महापड़ाव है कि रुकने का नाम नहीं रख रहा है। अब उस महापड़ाव में जाट आंदोलन जो हो रहा है उसमें दो गुट हो गए हैं। एक गुट कह रहा है कि वो महापड़ाव को स्थगित करने की अपील कर रहा है और दूसरा गुट वो महापड़ाव को जारी रखने को तैयार है। खबर जयपुर से है जहां साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटर पर छापा मारा गया है और 14 युवतियां और 6 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुहाना इलाके के गांव में चल रहा था ये फर्जी कॉल सेंटर, 48 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। और वहीं सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिल चौथ के अवसर पर लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेले में आसपास के जिले से भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। जो सुनती है सबकी पुकार, उसके दर पर भीड़ अपार, सच गया है चौथ माता का दरबार। लक्खी मेले में श्रद्धा का ज्वार, अरावली की सुरम्य वादियों के बीच बसा श्री चौथ माता का मंदिर गगन भेदी जयकारों से गूंज रहा है। रविवार सुबह मंगला आरती के साथ ही चौथ माता मेले का शुभारंभ हो गया। मान्यता है कि माता के दरबार में आने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यही वजह है कि 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद मंदिर में आने वाले लोगों का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा।
हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, हमें तो मिला है, जो मांगा जो मिल गया, और मांगने की कोशिश है वो मिलेगा। चौथ माता में तो कह रही तो बहुत बड़ी आस्था है। चौथ माता की मान्यता है कि जो यहाँ पे अपने स्वभाव के लिए जो भी मांगा चाहता है लंबी आयु के लिए वो मिलता है यहाँ पे, और जो भी हम मांगना चाहते हैं अपनी लाइफ में तरक्की जो भी है वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पे। चौथ माता का ये मंदिर सवाई माधोपुर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, लेकिन दर्शन के लिए राजस्थान से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। माघ मास में ये वैसे साल में चार चतुर्थी बड़ी चौथ बोलते हैं, और वैसे देखा जाए तो हर महीने